हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज के आई इन एसीटोन अंडरगोज SN2 रिएक्शन विद ईच PQRS. द रेट्स ऑफ द रिएक्शन वेरी एज वी हैव ऑप्शन ए बी सी डी. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट इज की कॉन्सेप्ट इज देखो, अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, SN2 रिएक्शन की. सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के. हाँ, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन किसके, लीविंग ग्रुप एबिलिटी के. मतलब जितनी जल्दी लीविंग ग्रुप क्या करेगा, निकल जाएगा, इतने अच्छा हमारा क्या मिलेगा, हमें SN2 देखने को मिलेगा, ठीक है, इतनी जल्दी हमारा SN2 रिएक्शन हो जाएगा जितनी जल्दी लीविंग ग्रुप लीव कर देगा, ठीक है, डिटैच हो जाएगा. सो देखो, एक चीज यहाँ पे हमें समझनी है, ठीक है, वो ये कि अगर हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है. अब अगर मैं ऑर्डर को लिखती हूं किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, CH3 एल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर आता है हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है. ये जो ऑर्डर है हमारा, ये किसकी वजह से है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम मिथाइल टू टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का वो डिफिकल्ट होने लग जाता है. फाइन, पहला हमारे पास क्या है कंपाउंड, पहला कंपाउंड पी है, विच इज यहाँ पे कितना है, CH3Cl, ठीक है, दिस इज द कंपाउंड पी. अब देखो, इस कंपाउंड में जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और उससे क्लोरीन जो है अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, इससे क्लोरीन क्या डायरेक्टली अटैच हो रखा है. अगर हम बात करते हैं कंपाउंड क्यू की, विच इज, यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हमारा क्लोरीन एटम है, ठीक है, इट इज अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन एटम से क्या हो रखा है, अटैच हो रखा है, ठीक है. ये किस में आता है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाता है हमारा, ये कौन सा हो जाता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है. अगर हम अपना नेक्स्ट कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज आर, ये हमारा कुछ इस तरीके से, यहाँ सीएल है हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्लोरीन है, ठीक है, सीएल सीएल इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है. दैट मीन अगर मैं इन तीनों में से रेट ऑफ ऑर्डर लिखती हूँ, ठीक है, तो मेरा रेट ऑफ ऑर्डर कुछ इस तरीके चलेगा, इतना क्लियर है, ठीक है. अब देखो, कंपाउंड एस के बारे में बात करते हैं, कंपाउंड एस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं. इधर आ जाता हमारा बेंजीन रिंग, ये जाता बेंजीन रिंग, ठीक है, एंड इधर है हमारा सीएल, इधर आ जाता है डबल बॉन्ड ओ. देखो, यहाँ पे जो ये पोलर बॉन्ड होगा, ठीक है, हमें यहाँ इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें माइनस आई इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे देखो, क्लोरीन जो है इस कार्बन एटम से क्या हो रखा है, अटैच हो रखा है. एंड यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि जो फिनाइल ग्रुप
एंड कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है? वी शुड नो कि तो ये दोनों ही जो ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, अपनी तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किस पे, ऑन द कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है, वो क्या हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो इसके इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है कार्बन की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खिंच जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, और वीक हो जाएगा। तो इसका टूटना, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, इसका टूटना सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है? सो दैट मींस हम ये कह सकते हैं, अगर हम अपना ऑर्डर देखें, ठीक है, तो सबसे इजी जो होगा यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, ऐसे यहां जाएगा, देन पी, देन आर, देन क्यू। सो ये हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर। तो अपना ऑप्शन चेक करते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।